भारत के विरोध के बाद माना चीन, अब किसी भी देश की सीमा में जहाज भेजने से पहले लेगा परमिशन। चीन ने अपने सभी जहाजों को किसी भी देश की समुद्री सीमाओं में घुसने से पहले उस देश से इजाजत लेने का आदेश दिया है। ये आदेश हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा चीन के एक रिसर्च वेसल को अंडमान निकोबार से बाहर निकालने के बाद दिया गया है। ये नोटिस चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया है। मंगलवार को जारी किए गए इस नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि चीन का कोई भी संस्थान अगर कोई जहाज रिसर्च या किसी दूसरे कारणों से किसी देश में भेजता है तो उसके लिए चीन के विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। चीन का विदेश मंत्रालय उस संबंधित देश से जरूरी इजाजत लेगा। नोटिस के मुताबिक चीन की सभी जहाजों को संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी समुद्र में परिगमन से जुड़े नियमों को मानना होगा। ये मंजूरी खासतौर से दूसरे देश के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दाखिल होने के लिए ली जाएगी। किसी भी देश का EEZ उस देश के समुद्री तट से समुद्र में करीब 200 नॉटिकल मील होता है, करीब 370 किलोमीटर तक। भारत के विरोध के बाद माना चीन। सूत्रों की माने तो चीन ने ये नोटिस भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के उस बयान के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए कहा था कि किसी भी देश के जहाज को भारत की समुद्री सीमाओं में दाखिल होने के लिए भारतीय नौसेना से जरूरी इजाजत लेने के लिए कहा था। दरअसल सितंबर के महीने में चीन का एक रिसर्च वेसल श्यान बन भारत की समुद्री सीमाओं में अनुसंधान करने के इरादे से अंडमान निकोबार तक पहुंच गया था, लेकिन जब ये चीनी जहाज पोर्ट ब्लेयर के करीब पहुंचा तो भारतीय नौसेना के टोही विमान P-8I ने उसे देख लिया और उसके बाद भारतीय नौसेना ने चीनी जहाज को भारत की सीमाओं से बाहर भेज दिया था। एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक चीन के ये जहाज समुन्द्र में डीप सी माइनिंग, गहरी खुदाई, ओशियोनोग्राफी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए हिंद महासागर में आते रहते हैं, लेकिन नौसेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि भारत के EEZ में दाखिल होने के लिए पहले भारतीय नौसेना से जरूरी इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही किसी दूसरे देश का जहाज या युद्धपोत भारत की समुद्री सीमाओं में दाखिल हो सकेगा। जानकारों की माने तो चीन के ये जहाज हिंद महासागर में इस तरह की रिसर्च के जरिए भारत के समुद्री सीमाओं की गहराई और दूसरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो युद्ध के समय में किसी भी देश की नौसेना के लिए अहम जानकारी हो सकती है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए ही भारत ने अगले साल मार्च में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन में चीन की नौसेना को आमंत्रित नहीं किया है। अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, UAE, जिबूती, मोजबिंक जैसे कुल 41 देश इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। एडमिरल करमबीर सिंह के मुताबिक इस एक्सरसाइज के लिए लाइक माइंडेड नौसेनाओं को ही आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मिलन एक्सरसाइज में चीनी नौसेना को बुलाकर भारत किसी भी तरह से चीन की मौजूदगी को वैधता नहीं देना चाहता है।